अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सागर का परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन पिछले हफ्ते का जो परफॉर्मेंस हुआ था उसके बाद में सागर स्ट्रेस्ड था। उसे वैन में मिलने आया था, कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ मिलने आया जो नॉर्मली नहीं करता है। मैंने कहा नर्वस है, सब ठीक हो जाएगा अगली बार के लिए। और मैंने उसको भेज दिया, लेकिन मेरे अंदर ना मैंने उसको दिखाया नहीं था, वो ये हो रहा था कि अच्छा था परफॉर्मेंस, लेकिन अब सब अच्छा कर रहे हैं, राइट, क्या होने वाला है। तो वो अंदर से ना थोड़ा मुझे वो हो रहा था, मैंने उसको दिखाया नहीं, ना मैं बोलना चाहती थी। लेकिन आज सागर ने जो परफॉर्मेंस किया है ना, मैं एक बात बोलूं, गणपति बाप्पा बोरिया। God, you're outstanding. Really, really, congratulations. तो सागर एक बार भी नहीं हुआ ना तुम्हारी तो अभी तक सवारी, पहली बार हो रहा है, पहली बार। All right, एक सेकेंड। Rabambo, yes. क्या सागर को मिल रही है आपकी सवारी? सोचने की क्या बात है इसमें? नहीं, सोच नहीं रहा, मुझे आज थोड़ी कमी सी लग रही है। का किस में कमी? किस बात की? जय के बातों में सेंस की कमी लग रही है। ये परफॉर्मेंस थी पृथ्वी को के हर परफॉर्मेंस पर भारी, इसीलिए सागर को मिलती है वेलकम हो की सवारी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इनके साथ परफॉर्म करके आपको कैसा लगा? मुझे रुपेश भैया के साथ परफॉर्म करके बहुत ही अच्छा लगा, और रुपेश भैया ने मुझे बहुत कुछ न्यू मूव सिखाए, स्टंट सिखाए, और बहुत ही अच्छे भैया। मैं लिटिल मास्टर सीजन 3 का हिस्सा था, ओह, जिसके मेगा ऑडिशन से मैं आउट हो गया था, एंड उसके बाद आज इसे सपोर्ट करने में आऊं, और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। कहीं ना कहीं अधूरा सपना रह गया तो वो आज पूरा हो गया। सो थैंक यू सो मच डियर लिटिल मास्टर्स एंड ZTV। क्या बात है, परफॉर्मेंस आज होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ परफॉर्मेंस करते करते कि मैं कहीं ना कहीं मेरे बचपन के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जिस सिचुएशन में सागर है, जिस सिचुएशन में इसका घर है एंड इसकी फैमिली, मतलब इसकी माँ जो इसकी पूरी दुनिया है इसके लिए, वैसे भी मेरी माँ मेरे लिए पूरी दुनिया है। किधर मम्मी आई है? यस, मम्मी आज शूट देखने आई है, और सागर बहुत हार्ड वर्किंग है सर, बहुत हार्ड वर्किंग। और एक बात कि जब मम्मी को पता चला कि मैं सागर के साथ पेयर अप करूं, मम्मी भी सागर की बहुत बड़ी फैन है। फैन है, नमस्ते, सबसे पहले आपका स्वागत है DID लिटिल मास्टर में। तो कैसा लगा आज सागर और आपके बेटे को साथ में परफॉर्म करते हुए देखकर? बहुत अच्छा लगा। जब सागर को मैंने ऑडिशन में देखा था तो मुझे लगा ये मेरा रुपेश डांस कर रहे हैं। अरे वाह। और सागर के मम्मी ने जो किया है हार्ड वर्क, हर एक माँ अपने बच्चे को ऐसे सपोर्ट करके आगे लेके जाए ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब बहुत। और मुझे ऐसे पता चला है कि तूने रुपेश को बोला था कि मुझे मम्मी का हाथ का खाना मिस कर रहा है। बहुत मिस करते हैं सर मम्मी के हाथ का। तो मैंने उसके लिए आमरस और पूरी लाई है। इधर का रिवाज है, पहले कुछ भी आता है यहाँ खाने के लिए तो मैं पहले टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि वो
कैसा है? कैसा है? अरे सागर के लिए लाया है सर। सागर किसी को खिला रही हो? This is amazing. क्या? मौनी मेरे हाथों से खिलाना, एक बार खिलाना, एक बार खिला दे। खाना of course. हाँ हाँ। क्या बात है, बहुत टेस्टी है। चलो बच्चों वापस अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। बहुत स्वाद है, थैंक यू सो मच। हाँ वो हमेशा कह दिया बहुत स्वाद है और करीबन 5 पूरियां चट कर दी है। समझ में नहीं आता इतना कैसे खा सकते कोई। मुंह में ठूसा हुआ है देखो कि कोई दूसरा ना खा ले। खत्म हो गया क्या? चलो आ जाओ चले चलो चलो। रूपेश की मम्मी सुपर हिट हो गया आपका आमरस और पूरी। थैंक यू सागर, थैंक यू। माई मंचकिन, माई बंगाली बाला, माई क्यूटी, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब आप पहला अपना बॉलीवुड फिल्म साइन करेंगी, बिकॉज आई नो आप में हर एक वो चीज है जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के लिए जरूरत होती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आई लव यू। शादी में आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी छोटी सी रिश्ता के साथ आपको परफॉर्म करके कैसा लगा? पहली बात तो ये सिर्फ देखने में छोटी है। हाँ जी। और मैं सुनते आई हूँ कि ये छोटी मास्टर नहीं है रियल लिटिल मास्टर्स की। हाँ जी। बिल्कुल सच बात है ये, मैं उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मुझे सिखाती थी हमेशा। मैं स्टेप्स भूल जाती हूँ तो ये दीदी ये क्या कर रहे हो, दीदी ये करो, दीदी वो करो। तो मतलब ये आपको डांट रही थी? हाँ डांटती नहीं थी, अच्छी से अच्छी मास्टर है। अच्छा अच्छी मास्टर है। स्ट्रॉन्गली क्रम्पिंग करने वाली अपुन आज सीता माँ की तरह यहाँ पे। राइट। कैसे सोचा वैभव आपने कि अपुन ये कर पाएगी? मैम इसको एक्चुअली पता भी नहीं है ये, मतलब हमने सिर्फ इसको बताया ये ऐसा स्टोरी है रियल में और ये एक्ट नहीं है, हम उसी स्टोरी को वापस जिंदा करके दिखा रहे हैं। आपको सिर्फ ये समझना, एक बार यूट्यूब पे थोड़ा एनिमेटेड सीरीज ऐसा दिखा दिया था इनको। हाँ। उसके बाद ये लड़की ऐसी ही रिहर्सल कर रही थी। माय गॉड अपुन, ये जो डेप्थ है अपुन में और यहाँ पे हर हफ्ते अपुन एक नया रंग जो दिखा रही है, अमेजिंग, वेरी 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 वेल डन, फैंटास्टिक अपुन, हैट्स ऑफ टू यू। I am so, so, so proud of you. Z5 app download करें और देखें सारे episodes बिल्कुल free.